हेलो फ्रेंड, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं स्टडी दर्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मैं इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूं और आप लोगों की रिक्वायर्ड पे आज मैं लेके आया हूं सिक्योरिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में जानूंगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें क्यों ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। ओके फ्रेंड, नाउ स्टार्ट। फ्रेंड, इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डाटा बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट्स कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेंड, हमारे कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि डाटा को रिकॉग्नाइज करता है एंड एनालाइज करता है। रिकॉग्नाइज मतलब होता है फ्रेंड, डाटा को एक व्यवस्थित ढंग से रखता है, एंड एनालाइज मतलब उसे छानबीन करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सूचना प्रणाली। ओके फ्रेंड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर के। अब बात करते हैं फ्रेंड इसकी टाइप्स की। तो फ्रेंड, दे आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सेकेंड है स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। जनरल इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा, जनरली वैसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका निर्माण जनरल पर्पस के लिए किया जाता हो, उसी को बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जनरल पर्पस यूज, व्हिच इज यूज फॉर द जनरल पर्पस, जैसे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए DBMS, मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जनरली इसका यूज करते हैं, डिजाइनिंग के लिए, छोटे मोटे काम के लिए करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक तरह से ये सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ जनरली। ओके फ्रेंड, इसे हम बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम फ्रेंड बात करते हैं दूसरा, स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्पेशलाइज मतलब बना स्पेशल से, और स्पेशल का मतलब क्या होता है, स्पेशल मतलब होता है स्पेसिफिक, पार्टिकुलर, जो स्पेसिफिक हो। वैसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका डिजाइन कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए किया गया था, टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, इसी को तो बोलेंगे स्पेसिफिक स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हिच इज डिजाइन फॉर द परफॉर्म द स्पेशल टास्क या फिर स्पेसिफिक टास्क, दैट्स कॉल्ड स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका यूज हम करते हैं ERP, इट मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए। कोई भी हम स्पेसिफिक टास्क का प्लानिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम का। फ्रेंड, ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम फ्रेंड बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में रन हो रहे हैं, कंप्यूटर में का जो पार्ट है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरी होगी। फर्स्ट फ्रेंड, हार्डवेयर। हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हार्डवेयर में आपके आता है, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, हार्डवेयर में आता है आपका इनपुट डिवाइस, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, टू एंट्री द डाटा इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को इंटर करना, इसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। सेकेंड, हार्डवेयर में आ जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस, टू आउटपुट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, वैसा डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को आउटपुट करता है फ्रॉम द कंप्यूटर के द्वारा, जैसे प्रिंटर हो गया आपका, डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको बोलते हैं, मॉनिटर, ये हो गया, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस जो कि डाटा को आउटपुट करता है, एक पर्दे पे, वॉल पे शो करता है, इसी को तो बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। एंड स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या, जो डाटा को स्टोर करता है, CPU, ये सारे किस में आते हैं, हार्डवेयर में। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज द, सॉफ्टवेयर क्या होता है,
सॉफ्टवेयर या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसका यूज होता है, विच इज़ यूज फॉर एग्जीक्यूट द डाटा बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा डाटा को एग्जीक्यूट करता है। इट कैन नॉट बी एबल टू टच, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, जो होता है सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल कंप्यूटर के अंदर जो भी होते हैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसे दो भाग में बांटा गया, फर्स्ट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि सिस्टम को रन करता है, इसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एप्लीकेशंस, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉम्पाइलर बनाते हैं। नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग द डाटा। बहुत सारे कंप्यूटर का ग्रुप होता है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, इसे हम बोलते हैं नेटवर्क, जिसका यूज हम करते हैं टू द पर्पस ऑफ शेयरिंग द डाटा, अपने डाटा को शेयर करने के लिए। जब हम टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें तो फ्रेंड मैं टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में बता दिया हूँ, ये मेनली चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पैन, जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड आपका होता है लैन, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड होता है आपका मैन, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड फोर्थ होता है वैन, इट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, पूरा वर्ल्ड वाइड होता है। ओके फ्रेंड, यदि आपको डीपली जानना है तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे चुके हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जा करके इसे आप देख सकते हैं, मैंने सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एंड प्रोसेसर, प्रोसेसर का काम क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करना। ओके फ्रेंड, डाटाबेस, डाटाबेस क्या होता है, जो कि ग्रुप ऑफ डाटा होता है डाटा को। तो यही हमारा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। फ्रेंड, आज मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, ताकि मैं फिर आपके लिए हर एक टॉपिक का वीडियो बना सकें।